हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल घर का स्वाद में। आज हम बनाएंगे धनिया पुदीने की हरी चटनी। बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है और ये पराठे, सैंडविच, समोसे, रोटी या दाल के साथ भी ले सकते हैं। देखिए कितनी अच्छी बनी है। उसके लिए ले लिया हमने पुदीना। हमने पुदीना को धो के इसके पत्ते तोड़ के ले लिए हैं। ये हरा पुदीना है, आप सूखा भी ले सकते हैं। ये हमने धनिया धो के रखा है, इसको साफ करके ले लिया। और ये हमने अदरक ले लिए है 2 टुकड़े, और हमने 8-10 लहसुन की कलियां ले ली और 4-5 हरी मिर्ची। हमने अदरक को काट के मिक्सर जार में डाल देंगे। लहसुन भी डाल ली और हरी मिर्ची भी डाल देंगे। पुदीना भी डाल देंगे। धनिया को भी डाल देंगे। धनिया हमने ताज़ा धनिया है, हमने इसके डंठल बड़े बड़े निकाल रखे हैं, छोटे छोटे ऐसे डाल दिए। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। हमने इसको बारीक पीस लिया है, दिखाते हैं। देखिए ये देखिए, ये अब हम डाल देंगे इसमें नमक और ये 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा है पिसा हुआ, और 1/2 चम्मच डाल देंगे काला नमक। काला नमक डाल के अब हमने ले लिया 2 नींबू, उनको काट लेंगे और इसका रस अब चटनी में डाल देंगे। हमने सब नमक मसाला इसमें डाल दिया, नमक, नींबू का रस, काला नमक और हींग भी डाल दिया थोड़ा। इसको हम एक बार और मिक्सर में चला लेंगे। ये हमने वापस एक बार और पीस लिया है। अब देखिए ये सारे चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसे बोल में निकाल लेंगे। ये देखिए ये चटनी तैयार है। ये तैयार है हमारी चटनी। आप इसे कभी भी बना सकते हैं और बना के 2-3 दिन तक फ्रिज में रख सकते हैं। देखिए